असलामुअलैकुम दोस्तों, ज्वालिया सिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो ज्वालिया सिम के हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुझसे किसान भाई आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक सब्ज़ी को सिलेक्ट किया है, एक वेस्टर्न सब्ज़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आजकल बड़े जो है ग्रोसरी शॉप के ऊपर अवेलेबल है, तो आज मैं आपको केल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों केल जो वेजिटेबल है, बेसिकली गोभी की एक किस्म है। इसके जो पत्ते जो है खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, सैलड में इस्तेमाल किए जाते हैं, सालन बनाया जाता है इसके साथ। दोस्तों ये बेसिकली जो नेटिव है, ये मेडिटेरेनियन के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर इसे बड़े शौक के साथ उगाया जाता है, खाया जाता है। इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूनान हो गया, क्रोशिया हो गया, अल्बानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिसिया हो गया, तो वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा शौक के साथ खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको ये हर किस्म के जो बड़े शॉपिंग सेंटर पर आपको इजीली आसानी के साथ ये मिल जाएगी, ग्रॉसरी शॉप से भी मिल जाएगी और बड़ी मंडी से भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। दोस्तों ऐसे अफराद जो नॉन वेज नहीं खाते, यानी जो गोश्त नहीं खाते किसी भी किस्म का, तो अपनी वो खुराक के अंदर जो है केल को शामिल कर लें। ये मीट का अल्टरनेट है, इसके अंदर बहुत हाई मिकदार के अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है। चले दोस्तों ये तो थे केल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं इसके न्यूट्रन फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन से भरपूर एक सब्ज़ी है, मीट का अल्टरनेट है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मिकदार के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी लहमियत पाए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में अच्छी क्वालिटी के फैट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। चले दोस्तों ये तो थे न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, अब आते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों इस सब्जी के अंदर फाइबर बहुत हाई मकदार में पाया जाता है, प्रोटीन हाई मकदार में पाया जाता है और दोस्तों कैलोरीज कम पाई जाती है। तो इस वजह से ऐसे फ्राइज जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, जो वेट लॉस के शौकीन हैं और दोस्तों अपने बॉडी को स्किनी देखना चाहते हैं, तो आज से ही वो अपनी खुराक के अंदर केल को शामिल कर लें। केल खाने से वजन बहुत तेज़ी के साथ कम होता है, इसे खाने से आपका पेट भरा भरा रहता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर हाई मकदार में पाया जाता है। इसे खाने के बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों ऐसे फ्राक लिए भी बेहतरीन है जिनकी दिल बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिल के ऊपर कील मुहासे निकलते हैं, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, ब्लैक स्पॉट्स पड़े हैं, वो आज ही अपनी खुराक के अंदर जो है केल को शामिल कर लें। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से जो आपकी दिल सेहतमंद हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। और दोस्तों जिस समय से हर किस्म की सोजिश को ये ख़त्म करती है और दोस्तों कैंसर से बचाती है, जिगर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करती है, इसे रेगुलर खाने वालों के कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस और बीमारियां अटैक नहीं करती। और दोस्तों दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। और दोस्तों जिस्म की हड्डियों के लिए, मुँह के जबड़े के लिए, दांतों के लिए बेहतरीन है, ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। दोस्तों ये आंखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, आंखों के अंदर चमक पैदा करती है, आंखों की रोशनी को ये तेज़ करती है। दोस्तों जोड़ों के दर्द को ये ख़त्म करती है। दोस्तों जिस्म को हाइड्रेटेड रखती है, यानी जिस्म के अंदर नमी को बरकरार रखती है। दोस्तों केल सब्जी को खाने वाले के ऊपर सूरज की जो खतरनाक शुआएं असर नहीं करती, ये नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। दोस्तों खाने के साथ एज ए सैलड इस्तेमाल किया जाए तो खाने को हजम करती है। और दोस्तों हामला खवातीन के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों ऐसे मर्द हजरात जो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, उनके लिए बेहतरीन है। मनी को यह पैदा करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करती है, टेस्टिकल की जिसामा में इजाफा करती है, मनी को एक्टिव करती है। और दोस्तों स्पेशली ऐसे मर्दों के लिए भी बेहतरीन है जो बेड के ऊपर जाते हैं, साथ ही ठुस हो जाते हैं, उनके अजवे तनासल के अंदर सख्ती नहीं आती, तो ये इम्पोर्टेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी को जट से ख़त्म करती है। तो दोस्तों मर्दों की सेहत के लिए ये बेहतरीन है। चलें दोस्तों ये तो थे केल वेजिटेबल के कुछ बेनिफिट्स, अब आते हैं कुछ के साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों इसे एज अ सैलड आप मुनासिब मकदार में रोज़ाना खा सकते हैं, आप इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं, इसे सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन फाइबर हाई मकदार के अंदर पाया जाता है, जिसके वजह से खाने से आपके पेट के अंदर गैस होती है। दोस्तों कई जिस्म के अंदर ये एलर्जी पैदा करती है। और दोस्तों ज़्यादा मकदार में खाने से गुर्दे आपके ख़राब हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसे फ्राक में भी सख्त नुकसानदेह जो थायराइड ग्लैंड के बीमारी का शिकार है। दोस्तों इसे एक्सट्रीम हाई मकदार में इस्तेमाल करने से आप कोमा में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। दोस्तों इस वजह से हर चीज़ की जो ज्यादती है सख्त नुकसानदेह होती है, वो चाहे जितनी मर्जी बेनिफिशियल हो, तो इस वजह से आप केल वेजिटेबल को भी मुनासिब मकदार में अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये केल वेजिटेबल की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है
न्यूटन फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं और फिर आपको साइड इफेक्ट्स बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद अगर केल वेजिटेबल के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं जो मैंने मिस कर दिया है तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, ओके, चिल्ला, टेक केयर।